अब बाई भुजा नीचे से दाई ऊपर से लाते हुए कमर के पीछे हाथों को मोड़ते, हाथों को विपरीत दिशा में खिंचाव दे, कमर गर्दन कोहनी एक सी। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। पूरे विश्ववासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस मौके पर कटरा के नगरवासी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और मुख्य रूप से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO IAS अंशुल गर्ग मौजूद रहे। विभिन्न आसन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पार्टिसिपेंट्स द्वारा किए गए और उसके बाद क्या कहा मीडिया से CEO अंशुल गर्ग ने, आइए देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। एडी निलंब के साथ अब बाई भुजा नीचे से दाई ऊपर से लाते हुए कमर के पीछे हाथों को मोड़ते, हाथों को विपरीत दिशा में खिंचाव दे, कमर गर्दन कोहनी एक सी। आपको आधा बेनिफिट तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है आपको। हम बहुत कम रोक रहे हैं समय बचाने के लिए, जब अभ्यास अच्छा हो तो ज्यादा रुकना इस आसन में। जिनके घुटने नहीं मुड़े, पांव के पंजे पृथ्वी के साथ लगा दे, गर्दन आप पीछे लटका सकते हैं, नाभि का क्वचन आकाश आगे जाए, आने अच्छी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ओ, मैं आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है 2016 से, तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी, और इस साल तो एक विशेष पर्व है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है शुभारंभ आज उनके द्वारा हुआ, तो उसी उत्साह के साथ आज कटरा में भी इस योग दिवस का आयोजन किया गया और टूरिज़्म डिपार्टमेंट और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जॉइंट कोलैबोरेशन में इसको आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और हमारे सभी जो स्थानीय, बहुत सारे मौजूद शख्सियतें, हमारे स्थानीय बच्चे स्कूल के और कटरा के बहुत सारे हमारे साथी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और जो इस साल का एक विशेष जो थीम है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, तो खुद के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो हम प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन समाज के प्रति हम क्या कर सकते हैं, वो मैं समझता हूँ इस साल का जो थीम है वो हमें सिखला रहा है। और योग किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है समाज सेवा में, वो शायद हमें समझने की ज़रूरत है। और कटरा के लिए तो ये शायद एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इस चीज़ की है क्योंकि हमारा काम ही समाज सेवा है, यात्री की सेवा है। तो किस तरीके से हम योग साधना को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और अपने इस कर्म में आगे कामयाब हों, तो यही हम सब लोगों की आज हमारी ये कोशिश है और सभी स्थानीय लोगों से अपील भी है और माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए वो हमें शक्ति दे और सही मार्ग पर किस तरीके से सद्बुद्धि से हम चलते रहें उसके प्रति हम प्रेरित रहें।